हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हम आज कोर्स को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कल आपको कहा था कि वी आर वेरी क्लोज टू एग्जामिनेशन, हमारी जो एग्ज़ाम बहुत पास में है। आई एम सेंडिंग यू मॉडल पेपर्स आल्सो टुडे, आई आल्सो सेंड वन मोर मॉडल पेपर। मैंने आपको मॉडल पेपर भी भेज रहा हूँ और जस्ट गो थ्रू विद इट, इसको देखिए आप। एंड वही बात है ना, कंटेंट सबका एक ही होता है। सो इफ़ यू गो थ्रू विद द होल पेपर, द होल स्टफ, द होल वीडियोज, अगर आप सारी वीडियो पेपर वगैरह देखेंगे तो इट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू यू गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स, है ना। बहुत मुश्किल नहीं होगा आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। सो हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारे वीडियोज़ हैं, वो पास होने के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर गेटिंग एक्सलेंट मार्क्स, है ना, उत्कृष्ट नंबर लाने के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो देयर इज़ अ चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, है ना, भारत की झलकियाँ। तो बड़ा अच्छा पार्ट है, इसमें स्मॉल पार्ट है, इसमें तीन छोटे छोटे से चैप्टर इसमें जोड़ रखे हैं। तो बड़ा ही लाइट मोड का और एंटरटेनिंग और ट्रैवलिंग से रिलेटेड और भारत के बारे में बताने वाला नॉलेजेबल पार्ट है, देखो। सो दीज थ्री चैप्टर्स, वन इज़ ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा का एक बेकर, जो इसके जो राइटर हैं लूसियो रॉड्रिक्स हैं। सो जैसे हम जानते हैं गोवा पुर्तगाल के अंडर था, तो उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसका इम्प्रेशन प्रभाव था, वो है। सेकंड इज़ कुर्ग, जो अपने साउथ इंडिया में है, ये लोकेश एब्रोल ने राइटर हैं, टी फ्रॉम आसाम, अरुण अरूप कुमार दत्ता, ये सो तीन चैप्टर हैं। तीनों ही बहुत अच्छे चैप्टर हैं, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत लाइट और एंटरटेनिंग है। एंड दे ऑलवेज आस्क क्वेश्चन फ्रॉम इट, जब एक ही पार्ट के तीन हिस्से हो गए हैं तो डेफिनेटली मानिए आप कोई ना कोई पार्ट वो ज़रूर पेपर सेटर पकड़ेगा कि भाई इसमें से कौन से क्वेश्चंस आते हैं या आएंगे। ऐसा होता नहीं है ना कि कोई इतना बड़ा चैप्टर जिसमें तीन पार्ट कर दिए और वो उसको छोड़ दे, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना, ये बिल्कुल ही लगभग असंभव सी बात है। सो वी विल गो थ्रू विद दिस चैप्टर। सो नाउ ओके, ए बेकर फ्रॉम गोवा, देखो, दिस इज़ ए पैन पोर्ट्रेट ऑफ ए ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, पैन पोर्ट्रेट है। देखो, पैन पोर्ट्रेट है मतलब पैन से वो चित्रकारी कर रहा है, फोटो बना रहा है। तो हम, यही होती है कलाकार की कला, क्या यही तो है ना, वो अपनी कलम से हमारी आंखों के सामने तस्वीर खींच देते हैं। तो दीज आर आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो जैसा अभी हमने बात की थी, हमारा जो गोवा है वो पुर्तगाल के अंडर रहा था, और आफ्टर 1960 वो उसको फ्रीडम मिली थी। सो एक बहुत बड़ा, आज़ादी के बाद भी बहुत बड़ा समय उन्होंने वहाँ जो रहे पुर्तगाली, तो उसका जो एक असर था वो आज भी वहाँ दिखाई देता है। देखो, यहाँ आपको दो बड़े अच्छे वर्ड आए हैं, एक आया है नॉस्टैल्जिकली। देखो, नॉस्टैल्जिया होता है किसी पुरानी बात को हम मिस करें, याद करें, उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ वर्ड यू कैन यूज़ इन योर पेपर, अगर आपने को याद है ना ऐसे पेपर। देखो, वोकैबुलरी भी जितनी अच्छी सशक्त होगी उतना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मतलब कम शब्दों में हम जो बात कहें, जो असर डालें, हमारे पास इतने सशक्त शब्द हों, वी हैव सच ए गुड एंड प्रिसाइज वर्ड्स फॉर एग्जैक्ट सिचुएशन, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर आता है आपके कॉपी में और उसका असर पढ़े बिना नहीं रहता। खैर, नाउ देखो, ये है जो पुराने पुर्तगाल के दिन थे, जब पुर्तगाल यहाँ पुर्तगाल का शासन था, तो पुराने लोग वो चीज़ें याद करते हैं। द पोर्टुगीज देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, वहाँ जो ब्रेड पाव होता था वो बनता था। बेकर मतलब आप जानते हैं, ये बेकरी होती है जो बेकिंग करते हैं ना, उसमें क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं, और आजकल पेस्ट्रीज, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, तो सो ये वही बेकर हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, भाई अभी भी मेकर, वो बनाने वाले जो हैं ना, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, भले ही पुर्तगाली चले गए हों। तो ये एक नॉस्टैल्जिक बात उन्होंने बताई है, पुरानी मिस करने वाली बात हमें राइटर बता रहा है। ओके, नाउ हियर वी गो,
देखो सो देखो ये जो बेकर हैं वहाँ, जो ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से वहाँ काम करते थे, इस बेकर आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ये याद करने वाली बात है, ये पैडर इन गोवा वो क्या कहलाते हैं गोवा में पैडर। सो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ पैडर, या जो बेकर से उनको क्या कहा जाता है, व्हाट आर बेकर्स कॉल्ड, तो उनको क्या कहा जाता है, पैडर। अब ये चीज़ें याद करने की, आपको वहाँ बेकर को पैडर कहा जाता था, ठीक है। अब उन्होंने वो नॉस्टैल्जिक बात बताई अपने चाइल्डहुड की, बचपन की, जो बेकर्स थे यूज़ टू बी अवर फ्रेंड्स कंपेनियन गाइड, है ना। और जैसे हमारे यहाँ होता है गर्मियों में आइसक्रीम वाले आते हैं तो बच्चे भागते हैं बाहर जाते हैं, है ना। और खैर अब धीरे धीरे ये चीज़ें भी खत्म होती जा रही हैं, गाँवों तक ही रह गई हैं, लेकिन फिर भी एक समय था जब इस वही नॉस्टैल्जिक बात होती है ना, तो वो बार बार आदमी याद अपने बचपन को याद करता है। तो अब वो बता रहा है लेखक कि क्या होता था, जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक, है ना, बांस के उस पे और घंटी बजाते हुए वो लोग आते थे, लव ऑफ द लॉफ, और जो ब्रेड पाव का लव था उस समय प्यार था, ठीक है। द लॉव्स वर ब्रॉड बाय सम पास्किन और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, है ना। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स। अब जो बच्चे कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन भी, बच्चे क्या चाहते थे, लोव से उनको इतना नहीं था जैसा होता है ना बच्चों को, तो ब्रेड बैंगल्स जो मीठी स्वीट चीज़ों से बच्चों को ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो ब्रेड बैंगल के लिए वो वहाँ इकट्ठे होते थे, ठीक है। सो उनकी थर्ड की आवाज़ आती थी, वो वहाँ आके क्या करते थे, लोव्स देते थे, बच्चे ब्रेड बैंगल लेते थे, एंड लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। ये याद करने वाली बात है, ये जो ब्रेड के पाव हैं, लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, हमें जो ब्रेड पाव तो बड़ों के लिए है और बैंगल्स बच्चों के लिए हुआ करता था। अब मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन, बोल क्या था, हियर वी गो। देखो मैरिजेस जो गिफ्ट होती थी शादी की, वो बोल के बिना, जिसको बोल बोला जाता था मैरिज गिफ्ट्स को, वो मीनिंगलेस थे, उसका कोई मतलब मैरिज गिफ्ट का बिना बोल के कोई मतलब था, जस्ट ए पार्टी और ए फेस लूजर स्टार विदाउट ब्रेड, नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, केक्स एंड बोलिनास आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल। तो केक्स हैं, बोल्स हैं, ये जो क्रिसमस के प्रेजेंट, ये बहुत ज़रूरी होते थे। तो बेकर की फर्नेस जो है, जैसे हमारे यहाँ भी अपने यहाँ कोई पार्टी अगर होती है तो उसमें दाल बाटी चूरमा मोस्टली राजस्थान में इसको एक माना जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़। वैसे ही जो वहाँ शादी के गिफ्ट में क्या होता था, केक्स हैं, बोलिनास हैं, ये बहुत ज़रूरी होते थे, उसके बिना सब बेकार था। द बेकर और ब्रेड सेलर आर दोज डेज हैड ए पेक्यूलर ड्रेस नोन एज खबाई, दैट इज़ ऑल्सो ए क्वेश्चन, कबाई क्या है। तो वो एक खास तरह की ड्रेस पहनते थे, उसको कबाई कहा जाता था। बेकर जो होता था उसको क्या कहा जाता था, पैडर, गोवा में पैडर कहा जाता था। वो एक खास तरह की ड्रेस पहनते थे जिसे कबाई कहा जाता था। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज, घुटनों से नीचे तक की होती थी। और इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग ए शर्ट एंड, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि कबाई क्या था, उनकी जो ड्रेस थी जो नीज घुटनों के नीचे तक जाती थी उसको कबाई कहा जाता था। अब देखिए सम उन्होंने बताया उनका हिसाब किताब कैसे लिखा जाता था, एक बार में पेमेंट होता था, अपना अकाउंट बने होते थे उनके, वो डेली आते थे वहाँ। अब देखो हियर वन थिंग ऑल्सो, इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज कम्पेयर टू ए बेकर, ठीक है, क्योंकि वो हेल्दी होते थे, अच्छी उनकी इनकम होती थी। तो आज भी क्या होता था, जो कोई अगर मोटा व्यक्ति होता है तो उसकी कंपेयर किससे की जाती थी, जैकफ्रूट कटहल को बोलते हैं ना, जैकफ्रूट जो कटहल होता है, तो उसकी आज भी कंपेरिजन, तो मतलब उसका जैक बेकर से की जाती थी, ठीक है, क्योंकि वो दे वर रिच पीपल एट दैट टाइम, पीपल उनका अच्छा बिजनेस चलता था उस समय, तो वो आज भी की जाती, ठीक है। तो अच्छा पार्ट है, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं, और इनको अच्छे से याद कर लेना, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है।
ओके नाउ नाउ देखो अनदर चैप्टर दैट इज ऑल्सो वेरी गुड चैप्टर, स्मॉल चैप्टर ऑल्सो, कुर्ग. इट्स ए प्लेस, ये एक जगह का नाम है. देखो कुर्ग इज अ कॉफी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस. ये साउथ इंडिया का एक प्लेस है कुर्ग, जहाँ कॉफ़ी होती है और अपने रेन फॉरेस्ट है ना, जो जंगल हैं इनके, भूमध्य रेखीय जंगल जो हैं उनके लिए और मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. नाउ मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. तो लेखक जो है, देखो इसमें आपको ये याद रखना है, मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ये पे क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार. कुर्ग की लोकेशन को पूछा जाता है, कुर्ग कहाँ स्थित है, तो मैसूर और जो कोस्टल टाउन मैंगलोर है उनके बीच में स्थित है. रिमेंबर इट, मैसूर एंड मैंगलोर, ठीक है, एम एम, दोनों एम एम है, मैसूर एंड मैंगलोर. कई बार क्या होता है, याद करने के लिए हम कुछ टिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे लिए सहज हो, सरल हो, तो उससे भूलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है. तो मैसूर एंड कोस्टल टाउन मैंगलोर के बीच में स्थित है, ठीक है. आ नाउ लेट्स गो. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, एक लड़ाकू कौम है वहाँ, ब्यूटीफुल वीमन है, वाइल्ड क्रीचर्स है. कुर्ग और कोडुगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सबसे छोटा जिला है कुर्ग. ये एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, कर्नाटक में है, सबसे छोटा जिला है कर्नाटक. आप क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला कौन सा है, इट्स कुर्ग, कुर्ग है. ओके इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है, प्लांटेशन है, ठीक है. यहाँ देखो ये एक्चुअली इन्होंने वहाँ की पूरी जो जियोग्राफिकल विशेषताएँ हैं टूरिज्म के हिसाब से उसको बड़ा उन्होंने अच्छे से बताया. तो जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, देखो एक ये है, पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट. तो ग्रीक, यूनानी या अरब जो वंशज हैं उनसे इनका नाता हो सकता है, ठीक है. अब इसमें ये वो कहते हैं, जैसी कहानी है कि अलेक्जेंडर जो सिकंदर महान था उसकी आर्मी सेना यहाँ आई और आने के बाद में यहीं रह गई, पीछे लौट के नहीं गई, या उन्होंने लोकल लोगों से शादी हो गई, उनकी लोकल लेडीज़ से, और उनके बच्चे जो थे उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक ग्रीक्स की, वो यूनानी थे ना सिकंदर, ये आई. तो ये एक स्टोरी तो ये कही जाती है. कई बार पूछ लेते हैं कि किससे ग्रीक या उससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं ग्रीक और अरेबिक से. अच्छा अब दूसरी जो है अरेबिक, अरब लोगों से, वो है एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट अपॉन द कोडुविज नोन एज कुपिया. सो समटाइम्स दे आस्क ये कुपिया क्या है, तो वो अपने कमर पे एक ऐसा बांधते हैं पटका जिसको कुपिया कहा जाता है. ये भी क्वेश्चन बनता है कुपिया. सो इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds. अरब और या कुर्द लड़ाके जो होते हैं वो ये पहना करते थे. इससे भी ये लगता है कि शायद इससे भी उनका नाता रहा हो, ठीक है. अब इसमें द फर्स्ट चीफ ऑफ जनरल करियप्पा वाजे कुर्गी, जो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे जो फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जो थे, पहले चीफ थे जनरल करियप्पा, वो क्या थे, वो भी कुर्गी थे. जनरल करियप्पा फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी. सो ओके नाउ द इसमें रिवर है, कावेरी है, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग है, और महासीर जो है फिश है वो भी पानी में यहाँ बहुत होती है, गिलहरियाँ हैं और मंकीज़ का दिखाया इन्होंने. तो ये सब उनके टूरिज्म स्पॉट को बताने का उन्होंने कोशिश किया है कि वहाँ क्या क्या होता है, क्यों अपने को वहाँ जाना चाहिए. नाउ बर्ड्स है, बीज बटरफ्लाइज है, मालाबार स्क्विरल्स हैं, है ना, और पैनोरेमिक व्यू, बड़ा ही मनोहारी दृश्य जो पैनोरेमिक बोलते हैं, विहंगम अपन बोलते हैं हिंदी में, विहंगम ऊंचाई से देखने पर जो दिखाई देता है ना उसको विहंगम कहते हैं. तो बड़ा विहंगम दृश्य है यहाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है. सो यहाँ पर मॉन्क्स भी हैं, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, वो बुद्ध, आपको बौद्ध भिक्षु जो होते हैं मॉन्क्स, वो भी मिलते हैं यहाँ पर, बौद्धों के मठ भी हैं. तो सोल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा. तो ये एक स्मॉल पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इसमें जो जो जरूरी चीज़ें हैं
वो याद रखने वाली हमने बता दी है। तो कुर्ग की लोकेशन जरूर पूछ सकते हैं। करियप्पा पहले कुर्गी थे और इनकी जो वंशज हैं ग्रीक्स जो अलेक्जेंडर की सेना सिकंदर की थी वो यहाँ आई थी। सो आफ्टर दैट दे मैरिड विद लोकल पीपल लोकल लेडीज़। सो उनसे जो बच्चे हुए उनके अंदर आ गया। दूसरा जो इन्होंने पटका बांधते हैं ये वो भी क्या है अरेबिक डिसेंट को बताता है। तो ये आपके क्वेश्चन है इसका। ओके अब देखो इसके बाद में थर्ड है वो भी आप बच्चों के लिए उसी तरह का इन्होंने बनाया है। टी फ्रॉम आसाम, जैसे हम जानते हैं चाय पीते हैं सबकी शुरुआत दिन की चाय से मोस्टली होती है। तो इसमें देखो प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज़ राजवीर क्लासमेट। राजवीर दो कैरेक्टर हैं हमारे पास, एक तो प्रांजोल है एक राजवीर है। ये भी याद रखते हैं नाम आपको जैसा दिखाई देता है। प्रांजोल नाम असमी नाम है वरना प्रांजल हो तो प्रांजोल का है ना इन्होंने वैसे पता पड़ जाएगा। और राजवीर जो है वो अपने यहाँ का नॉर्थ का तो प्रांजोल हो गया और राजवीर दिल्ली का दिखाया इसमें इन्होंने वो ठीक है। तो वो हॉस्टल में रहते हैं। अब वो इनको खैर आपको टी के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ हम आगे चलें तो ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये याद करने वाली चीज़ है कि पूरे विश्व में 80 करोड़ कप चाय की रोज़ पी जाती है। 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक, ये रिमेंबर इट ठीक है। ओके सो प्रांजोल जो है वो वहाँ रहता है चाय के बागान में, उसके पापा मैनेजर हैं और वहाँ वो अपने दोस्त राजवीर को घुमाने के लिए लेके जाता है। ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ये आपको याद रखना है। ये आ सकता है कि भाई चाय पहली बार कहाँ पी गई, तो ये चाइना में पी गई। ये कई बार बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। नाउ ओके 16th सेंचुरी प्रांजोल्स पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर देम सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड ठीक है। अब उन्होंने वहाँ उनके जाने आने का बताया है। तो हमें क्या इसमें से वो देखना है जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और जो पूछा जा सकता है। ठीक है तो इसमें तीन कैरेक्टर्स हमारे, दो कैरेक्टर राजवीर है प्रांजोल है चाय है। 80 करोड़ कप्स ऑफ टी जो है वो पी जाती है। और देखो हाँ ये दैट वाज आई एम लुकिंग फॉर, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था। ये एग्ज़ाम में बहुत बार आती है ये, जो आप याद रखना भाई ये चाय की जो शुरुआत है या चाय के बारे में जो हमें नींद या नहीं आती है फ्रेशनेस आती है ये एग्ज़ाम में आ जाता है। देखो वी हैव एन इंडियन लीजेंड जो बौद्ध धर्म एंड एंशंट बुद्धिस्ट एसेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक वैनिश स्लीप। देखो ऐसा था, ये बुद्धिस्ट एसेटिक की कहानी है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जो बौद्ध भिक्षु थे जब वो तप कर रहे थे अपने, उन्होंने आँखों के जो बाल हैं अपने उनको काट दिया ताकि नींद नहीं आए और उसके बाद वहाँ पौधे उगे और वो चाय के पौधे थे। समटाइम्स ये लीजेंड है लोक कथा, ये इसके बारे में क्वेश्चन कई बार वो पूछ सकते हैं। ठीक है ओके सो बच्चों छोटे छोटे स्मॉल चैप्टर तो ये अपने हो गए। इनमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो हियर वी गो, हाउ कैन इट बी सेड दैट बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, है ना। इट वाज आस्क्ड आल्सो इन प्रीवियस क्वेश्चन, पूछा गया है ये भाई बेकिंग एक लाभदायक व्यवसाय कैसे था। हमने अभी देखा है ना जो व्यक्ति मोटा होता था है उसको क्या बोलते थे, वो जैक फ्रूट जैसा जिसका बॉडी होती थी उसको पैडर बोलते थे या वो बेकर से कंपेयर करते थे। नाउ लेट्स सी, देखो इन गोवा ब्रेड वाज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, स्वीट डिशेज मेड ऑफ ब्रेड वर ऑल्सो एसेंशियल फॉर वेरियस ओकेजन्स लाइक मैरिज है, सेरेमनीज, एंगेजमेंट, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। देखो अभी भी जैसे विलेजेस तक ये बात आ गई, बर्थडे को हम केक से मनाया जाता है ना, ये सिचुएशन अब लगभग धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है, हर जगह बढ़ती जा रही है। तो वैसे पुराने समय में भाई हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है ना, अंग्रेज़ों से या विदेशी लोगों से सीखा है। तो वैसे जो ब्रेड थी वो एक एसेंशियल पार्ट थी उस समय, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड वर बेक्ड फॉर डिफरेंट ओकेजन्स एंड वर एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ सेरेमनीज, अवसरों का एक अपृथक्य भाग होता था, उसके बिना कोई फंक्शन नहीं मनाया जा सकता था। इस तरह द प्रोफेशन ऑफ बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल वन, बहुत प्रॉफिटेबल था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी
बहुत बार ये अपने चैप्टर में आया कि वो कभी भूखे नहीं मरते थे, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी डिमांड हुआ करती थी कि हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स टू ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। यहाँ तक कि उनके जो नौकर भी होते थे वो भी बड़े समृद्ध दिखाई देते थे, खुश दिखाई देते थे। ठीक है, नाउ अगेन अनदर क्वेश्चन इज, देखिए हियर वी गो। देखो व्हाट इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एरिया, कुर्ग के बारे में जो चैप्टर है। देखो द एरिया इज ऑन द साउथ कोस्ट, साउथ कोस्ट पे है। हमने अभी इसकी लोकेशन देखी थी किसके बीच में स्थित है, रिमेंबर इट। और सबसे कर्नाटक का स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना है इसको, है ना। इट इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस, है ना। तो वहाँ पर रेन फॉरेस्ट हैं, मसाले हैं, कॉफ़ी है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% एरिया ऑफ कुर्ग, ये भी याद रखने वाली बात है। फॉरेस्ट कितने, 30% एरिया पे जो कुर्ग है वहाँ पर 30% एरिया पे क्या है, जंगल है, भूमध्य रेखीय जंगल जहाँ बारिश होती है, जिसके कारण मैनी विजिटर्स कम टू दिस एरिया एवरी ईयर, हर साल लोग आते हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पावर्स हैविली, सो मैनी विजिटर्स कीप themselves away, but the month from September to March are the season of joy. देखो ये अपने को वहाँ घूमने का समय कौन सा, ये भी बहुत बार important है, September to March। कुर्ग में घूमने का समय क्या है, September to March, क्योंकि बारिश होगी तो वहाँ जा नहीं पाएंगे, उस एरिया में बारिश ज़्यादा होती है, लेकिन घूमने का समय आपको ये रिमेंबर करना है, वो है। द वेदर इज़ परफेक्ट एट दिस टाइम, द एयर इज फुल ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड ए नंबर ऑफ एडवेंचर स्पॉट्स ऑफ पीपल कमिंग है, वहाँ बड़े कई तरह के खेल हैं, एनिमल्स हैं, और बारिश है, मौसम अच्छा होता है, सुहाना मौसम होता है। तो ये सब हमारे कुर्ग की विशेषताएँ हैं। लोकेशन मैंने आपको बताया डबल एम, ये याद रखना है आपको, है ना। तो उसकी लोकेशन का याद करना है, उसका जो वंशज है उनको याद करना है ना। ओके, देखो ये है, हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था आप अपना, What excited राजवीर, why did not प्रांजल share राजवीर excitement? इसमें चैप्टर में ये दिखाया था भाई, जो प्रांजल तो आसाम का है, तो जो चीज़ लोकल होती है, जो हमारे पास में होती है, हमें उसके प्रति इतना एक्साइटमेंट या उत्साह नहीं होता। तो ये सब चाय के बागान वगैरह राजवीर ने नहीं देखे थे ना। तो ड्यूरिंग द समर वेकेशन राजवीर saw a tea estate on the way of his journey and got excited. He had seen so much greenery before, he called it a tea garden Pranjal. Did not share Rajvir's excitement because he had been born and brought up on a tea plantation. उसका तो बड़ा ही वहाँ हुआ था, वो चाय के बागान पे, इसलिए इसके लिए कोई extraordinary चीज़ नहीं थी। Whatever was new, worth seeing and exciting for Rajvir was not interesting or worth seeing for Pranjal because he had been looking it since his childhood. बचपन से चाय के बागान देख रहा था, इसलिए उसको इतना कोई उत्साह उसके बारे में नहीं था, वर्थ सीन, है ना। अब जैसे गांव में हम लोग सब गायों के, भैंसों के, जानवरों के बीच में रहते, तो हमारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन शहरों में या मुंबई में या दिल्ली बेंगलोर में जहां वो नहीं दिखाई देते, या हम पीकॉक्स की बात करें, जैसे पीकॉक जहां पर घरों में घूमते हैं तो इतना एक्साइटमेंट नहीं होता, और दिल्ली में या कहीं अब पीकॉक दिखाई दे तो वो एक न्यूज़ बन जाती है, लोग फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप पर डालते हैं। तो इसलिए देखो ये बड़ा अच्छा शब्द है, रिमेंबर इट, वर्थ सीइंग, देखने योग्य, वर्थ सीइंग, है ना, आई एन जी लगता है इसके बाद में, रिमेंबर इट, वर्थ सीइंग एंड यूज इट ऑल्सो। सो हमें अच्छे जो शब्द हैं उनको भी याद करके काम में लेना चाहिए, अच्छे नंबर लाने की ये भी एक शर्त होती है। देखो अब एक पोइम और स्मॉल सी पोइम है, साथ में हम इसको भी कर लेते हैं, एनिमल्स। देखो हियर वी गो, ये अपने को याद रखना है भाई, इसका पोइट कौन है, वॉल्ट विटमैन, रिमेंबर इट, बहुत बड़े पोइट हैं अमेरिका के, वॉल्ट विटमैन, रिमेंबर इट। और ली कहाँ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। देखो ये वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट थे, राष्ट्रकवि माना जाता है उनको, बड़े ही, जैसे अपने यहाँ मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है, या इस तरह से अमेरिका के इतने बड़े पोइट थे। नाउ अगेन इफ सच ए बिग पोइट्स एनी कंपोजिशन इज हियर, देन डेफिनेटली दे मे आस्क अबाउट दैट, इतना बड़ा कवि है, उसने कुछ लिखा है, तो आप डेफिनेट मानो कि कुछ ना कुछ पूछ सकता है, ठीक है, ये संभावना काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो अपने को क्या याद रखना है, पहले तो पोइट का नाम वॉल्ट विटमैन, ये बहुत बड़े पोइट हैं, रिमेंबर इट, है ना। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो लिया कहाँ से गया है। देखो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉपुलर बुक थी लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से लिया गया, इसको याद रख लेना, वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लीव ऑफ,
ग्रास. चलो लेट्स सी. देखो अ पोइट जो कह रहा है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेंट. कवि कहता है मुझे लगता है मैं जानवरों के साथ में रह सकता हूँ क्योंकि वो कितने शांत होते हैं, अपने आप में संतुष्ट होते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, मैं उनको देख सकता हूँ लंबे लंबे समय तक. दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, ना तो वो पसीना बहाते हैं मतलब दुखी होते हैं किसी से. वाइन, वाइन होता है दूसरे के लिए बुरी बातें बोलना या बड़बड़ाते रहना है ना, गुस्सा करना, ना वो इस तरह से करते हैं अबाउट देयर कंडीशन, अपनी परिस्थिति पे. भाई इंसान है जो हमेशा रोता रहता है मोस्टली, सो एनिमल्स ऐसा नहीं करते हैं, ये हम देखते हैं बहुत बार. सो दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, रात को जागते नहीं हैं. वीप फॉर देंस, अपने पापों के लिए रोते नहीं हैं. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, धर्म के बारे में, भगवान के प्रति कर्तव्यों के बारे में बातें करके मुझे परेशान नहीं करते हैं. नो, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, है ना. चीज़ों को रखने के लिए उन्माद की स्थिति में नहीं होते. देखो डिमेंटेड विद द मैनी ऑफ ओनिंग थिंग्स, अब हम देख ही रहे हैं अभी आप हम सबके सामने जो लड़ाई हो रही है ना रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो एटम बम तक की बात आ रही है. तो इंसान को सब कुछ मिला है लेकिन अपनी पावर का इस्तेमाल सही गलत करने के लिए, है ना, कितने लोगों को मारा जा रहा है, मर रहे हैं बेचारे, परिवार उजड़ रहे हैं. तो ये हम देखते हैं एनिमल्स कहाँ करते हैं ऐसा. एनिमल्स तो अगर पेट भर जाए तो वो रोटी छोड़ के चला जाता है, हम देखते हैं रोज के हमारी में. तो इसलिए वो कह रहा है मैं जानवर, उसका भावार्थ यही है, जानवर आदमियों से कहीं अधिक अच्छे हैं. ठीक है. नॉट वन नील्स टू अनदर, दूसरे को घुटने के बल नहीं बिठाता है. नॉट टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हजारों साल पहले भी उनका यही करेक्टरिस्टिक था, है, किसी को नीचा नहीं दिखाते. वन इज नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, एक जानवर भी आपको ऐसा जो बहुत सम्मानित है या दूसरा बहुत दुखी है ऐसा भी नहीं है. सो दे शो देयर रिलेशन टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, वो मेरा से संबंध बताते हैं और मैं इसको स्वीकार करता हूँ. दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, मेरे लिए तो वो उपहार लाते हैं मानो. दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पजेशन, अपने जो स्वामित्व में वो चीज़ों को दर्शाते हैं. आई वंडर वेयर दे गेट दीज टोकन्स, डिड आई पास द वे यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम. देखो ये दो लाइन है ये पोइम की जो है, एक सोल है, उसने कहा भाई ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है मैंने गिरा दी, ये आदमी के पास ही थी, ये सेल्फ कंटेनमेंट होना, खुश रहना, किसी को ना मारना, ना झुकाना, है ना, ना कोई बड़ा छोटा ना होना, मैंने वो टोकन जो है गिफ्ट है भगवान ने हमें दी थी इंसान को, हमने गिरा दी, जानवरों ने ले ली. तो ये एक व्यंग वो कस रहे हैं, वॉल्ट विटमैन, रिमेंबर इट, मैंने आपको बताया वॉल्ट विटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और लीव्स ऑफ ग्रास, ये तीनों चीज़ें याद कर लेना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और याद करके इसको अपने को यूज़ करना है. चलो लेट्स सी क्वेश्चंस. मेंशन थ्री थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डोंट, ऐसी तीन चीज़ें बताओ जो इंसान करता है लेकिन जानवर नहीं करता. देखो दीज आर, ह्यूमन क्राई अबाउट देयर सैंड कंडीशन एंड बट एनिमल डोंट डू, आदमी रोता रहता है अपनी स्थिति पर, जानवर नहीं रोते हैं. ह्यूमन्स डाई लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस बट एनिमल डोंट डू, अपने पापों के लिए रोता है जानवर नहीं रोता है. ह्यूमन्स फील डिस्टर्ब एंड फॉर नॉट डूइंग देयर ड्यूटीज टूवर्ड्स गॉड बट एनिमल डोंट, इंसान ईश्वर के लिए रोता है, करता है, धर्म के जो पाखंडी की बात कही है, लेकिन जानवर ऐसा कुछ नहीं करते. तो ठीक है बच्चों, ये जो जो चीज़ें मैंने बताई आप उनको दोहराते रहना, और एग्जामिनेशन पास में आ रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, प्राणायाम योग थोड़ा करते रहना सुबह ताज़ी हवा में, थोड़ा 30 मिनट्स वॉक करके अपने आप को रिलैक्स रखना, और एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर कॉन्फिडेंस के साथ रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.